हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेवलपमेंट ट्यूटर डॉट कॉम। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए खास चीज़ लेके आया हूँ, वो है हमारा स्केलर्स एंड वेक्टर्स। और जो खास करके HSC क्लास 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो प्रिपेयर कर रहे हैं मैथ्स का, उसके लिए ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं कुछ स्केलर्स एंड डॉट प्रोडक्ट का कुछ सम लेके आया हूँ, और मैं इसका थ्योरी भी बताऊँगा जो कैसे इस सम को सॉल्व कर सकते हैं, क्या इसके पीछे लॉजिक है। तो मैं एक एक करके सबको करता हूँ। जब भी आपको स्केलर और डॉट प्रोडक्ट दिखे, इसका मतलब है स्केलर प्रोडक्ट, इट मींस दिस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। इट मींस ये दोनों डॉट के बीच में एंगल्स पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? एंगल पे। जो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में कितने एंगल्स हैं वो कॉस डिटरमाइन कर रहा है। तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं, दिस कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। यदि आपको वेक्टर ए दिया हो, वेक्टर बी दिया हो, उन दोनों का डॉट करके मैग्नीट्यूड लेंगे तो आपको ये कॉस थीटा मिलेगा। अब ये डॉट निकालते कैसे हैं और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, फिर जाके एंगल आएगा। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i - j + 2k एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i + 2j + 3k। ये दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है, बोल रहा है मुझे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बताने के लिए। अब जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बोला है तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है इस चीज को याद रखना, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ये आई रिप्रेजेंट करता है अलोंग एक्स एक्सिस, जे रिप्रेजेंट करता है अलोंग वाई एक्सिस, के रिप्रेजेंट करता है अलोंग जेड एक्सिस। तो जब भी ये, यदि मैं एक एक्स एक्सिस पे हूं और इसी डायरेक्शन में कोई और एक्स एक्सिस पे हो, इन दोनों के बीच में थीटा 0 डिग्री बनेगा। लेकिन यदि मैं एक्स एक्सिस पे हूं और हमारा ये आई है और ये हमारा जे है, इनके बीच में 90 डिग्री बन रहा हो, तो ये आई डॉट आई हमारा 1 होगा, बट ये आई डॉट जे हमारा 0 होगा, जे डॉट आई हमारा 0 होगा, के डॉट आई हमारा 0 होगा, आई डॉट के हमारा 0 होगा। उसी तरह से सेम एक्सिस पे जे डॉट जे हमारा 1 होगा, के डॉट के हमारा 1 होगा। बाद वहां की जो डॉट्स हैं वो 0 है यदि दो एक्सिस का बात करें, क्योंकि उनके बीच का जो एंगल है वो 90 है। यदि मैं यहां पे बोलूं आई डॉट आई, इट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ आई कॉस 0, क्योंकि दोनों ही थीटा के बीच में कितने हैं 0 डिग्री, तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो 1 1 कॉस 0 इज बिकम 1। बट यदि मैं बात करूं जे डॉट जे, सेम हियर मैग्नीट्यूड ऑफ जे कॉस 0 इज अगेन 1, के डॉट के इट अगेन 1। लेकिन यदि मैं आई डॉट जे लू तो देखिए क्या होता है, आई डॉट जे, सो दिस आई डॉट जे इट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ जे एंड कॉस 90। वाई इज कॉस 90? बिकॉज एक अलोंग एक्स एक्सिस है और दूसरा उसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे है, तो 90 और कॉस 90 कितना होता है 0। सो आज के बाद आपको याद रखना है आई डॉट जे 0, जे डॉट आई 0, के डॉट आई 0, आई डॉट के 0, सिर्फ सिमिलर टाइप में जो होंगे आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। इस कंसेप्ट को समझने के बाद ये क्वेश्चन देखिए कितने ईजी हैं। यदि आपको ये समझाते हैं तो आप बहुत फास्ट कर सकते हैं इसको। लिख दीजिए वेक्टर आई कितना है, 2i - j + 2k। वेक्टर बी कितना है, तो डॉट लगा दीजिए यहाँ पे, वेक्टर बी है 3i + 2j + 3k। अब करना क्या है, i वाले को i के साथ मल्टीप्लाई, j वाले को j के साथ मल्टीप्लाई, k वाले को k के साथ मल्टीप्लाई। बोलिएगा i और j को क्यों नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन आंसर 0 आएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 × 3, आई का कोफिशियंट 2, इसका कोफिशियंट 3, तो ये हो गया 6 - 1 + 2,
माइनस टू प्लस टू प्लस थ्री प्लस टू इंटू थ्री इज अगेन सिक्स. सो सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व, ट्वेल्व माइनस टू इज फोर्टीन. सो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर. सिक्स माइनस टू प्लस सिक्स इज ट्वेल्व माइनस टू, सॉरी ट्वेल्व माइनस टू आंसर इज टेन. ट्वेल्व माइनस टू आंसर इज टेन. तो ये आप इस तरह से करेंगे. तो बेसिकली हमने क्या किया, आई के कोफिशियंट और आई के कोफिशियंट को मल्टीप्लाई किया. टू इंटू थ्री सिक्स, माइनस यहाँ पे वन है और यहाँ पे प्लस टू है, तो माइनस वन इंटू टू माइनस टू, प्लस टू और प्लस थ्री है तो टू इंटू थ्री इज सिक्स. सो आंसर इज टेन. नाउ सेकेंड क्वेश्चन हमें कह रहा है, इसी के बेस देखिए क्या क्वेश्चन है. फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी विथ मैग्नीट्यूड टू एंड वन रिस्पेक्टिवली एंड सच दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू रूट थ्री. क्या करेंगे हम, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा. अब आपको क्या क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना दिया हुआ है रूट थ्री, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना दिया हुआ है तो ये टू दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कितना दिया हुआ है वन दिया हुआ है इनटू कॉस थीटा. सो दिस रूट थ्री इज इक्वल टू टू इंटू टू कॉस थीटा एंड दिस कॉस थीटा इज बिकम रूट थ्री बाय टू. सो आंसर इज रूट थ्री बाय टू इज 30 डिग्री और आई कैन राइट पाई बाय सिक्स. तो कितने एंगल बन रहे हैं इन दोनों के बीच में, तो पाई बाय सिक्स और 30 डिग्री. हमने कुछ नहीं किया, ऑलरेडी हमें वैल्यू दिया हुआ था वेक्टर ए और वेक्टर बी का, वहां पे रूट थ्री मैग्नीट्यूड इसी को बोलते हैं, तो वेक्टर ए का टू तो टू, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी वन इंटू कॉस थीटा, यहां से हमने थीटा फाइंड कर लिया. नेक्स्ट इज Find the angle between the vector, find the angle between the vectors, vector A, I, J, K के टर्म में दिया हुआ है और vector B भी हमें I, J, K के टर्म में दिया हुआ है और मुझे find करना है इन दोनों के बीच का angle. तो हमारा जो formula है cos theta is equal to vector A dot vector B upon magnitude of vector A, magnitude of vector B. सबसे पहले मैं ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाल लेता हूं. देखिए कैसे निकालेंगे, वेक्टर ए कितना है हमारा आई माइनस टू जे प्लस थ्री के डॉट बी कितना है थ्री आई माइनस टू जे प्लस के. अब यहां पे सेम प्रोसीजर आई डॉट आई वन जे डॉट जे वन के डॉट के वन. यदि आई का कोफिशियंट यहां पे देखेंगे तो वन और यहां पे थ्री तो वन इंटू थ्री थ्री, माइनस टू माइनस टू प्लस फोर, थ्री इंटू वन प्लस थ्री. सो दिस थ्री प्लस फोर सेवन प्लस थ्री टेन. सो दिस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इट बिकम्स टेन. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ये देख लीजिए. रूट सबसे पहले स्क्वायर रूट लगाना है. आई का कोफिशियंट कितना है, कुछ नहीं है तो वन, वन का स्क्वायर प्लस माइनस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर. तो ये कितना हो गया वन प्लस फोर फाइव, फाइव प्लस नाइन इज रूट फोर्टीन. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी जब करेंगे तो हमारे पास अगेन आई का कोफिशियंट थ्री का स्क्वायर प्लस माइनस टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर. सो इट्स बिकम नाइन प्लस फोर प्लस वन इज रूट फोर्टीन अगेन. नाउ दिस कॉस थीटा इज बिकम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी. वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमारा कितना है 10 और रूट 14 इंटू रूट 14. अब ये क्या हो जाएगा 10 अपॉन 14, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14. सो दिस कॉस थीटा इज बिकम 5 अपॉन 7 एंड दिस थीटा इज बिकम कॉस इनवर्स 5 अपॉन 7. ये हमारा आंसर आ गया. कितने इजी हैं, जरूरी ये सम पूछते हैं आप, इसके लिए डॉट प्रोडक्ट में देखेंगे तो बड़े पर हैं इससे सम, और यही आपको इसको प्रैक्टिस करना है, इसी के बेस्ड क्वेश्चन आएंगे. अब जो इम्पोर्टेंट है ये जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए इसका क्या कंसेप्ट है. इस क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द वेक्टर आर परपेंडिकुलर एंड पैरेलल. परपेंडिकुलर मींस थीटा इज बिकम 90 डिग्री. Perpendicular means theta is become 90 degree. So when I am going to just put cos 90
इट बिकम्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी. दिस कॉस 90 इज जीरो. वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी. इट मींस दिस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज व्हाट? जीरो. वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या हो रहा है मेरा? जीरो. अब यहां पे दो वेक्टर ऑलरेडी दिए हुए हैं, इसको क्या करिए आप, डॉट प्रोडक्ट निकालिए और जीरो से इक्वेट कर दीजिए. तो लुक एट हियर, 3i प्लस 2j प्लस 9k डॉट i प्लस pj प्लस 3k. सो दिस बिकम जीरो. इट मींस 3 इंटू 1 दैट इज व्हाट? 3. 2 into P, that is 2P because I dot I, J dot J. I का जो coefficient है, इधर जो I का coefficient, उन दोनों को multiply कर रहा हूँ, तो 3 into 1, 3. 2 into P, 2P. 9 into 3, 27 is equal to 0. So this 30 plus 2P is equal to 0, it means this P equal to minus 15. This P equal to minus 15. Next is parallel. Next is parallel. So look at here. When I am talking about the parallel, it means theta is become zero. Theta is become zero. और यदि दो vectors parallel होते हैं, तो उनके a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 if two vectors are parallel. If two vectors are parallel. यदि दो vector हमारा parallel है, तो ratios क्या होंगे? Equal होंगे. अब ये हमारे पास दो vector है. Vector a is become 3i प्लस 2j प्लस 9k एंड वेक्टर b इज बिकम i प्लस pj प्लस 3k. इट मींस दिस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. दिस 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन p इज इक्वल टू 9 अपॉन 3. लुक एट हियर द सम, 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन p. हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे. आप चाहिए तो इन दोनों से भी कर सकते हैं, सेम ही आंसर आने वाला है. सो दिस 3 इंटू पी इज इक्वल टू 2 एंड दिस पी इज बिकम 2 अपॉन 3. तो इसका मतलब है यदि दो वेक्टर आपको परपेंडिकुलर बोला जाए, तो उसका डॉट प्रोडक्ट को क्या करना है मुझे? जीरो से इक्वेट करना है. और यदि पैरेलल बोला जाए, दो वेक्टर है, तो इसके कोफिशियंट को क्या करना है? रेशियो लेना है. This is our A1, B1, C1. This is A2, B2, C1, C2. So A1 is what? 3. B1 is what? 1. Means I का coefficient यहाँ पे 3 है, A1. यहाँ पे 1 है, तो 3 upon 1. B1 upon B2, 2 upon P. C1 upon C2, 9 upon 3. और यहाँ से आपका answer मिल गया. Next question है हमारे पास. Find the angle between the vectors 5i plus 3j plus 4k, 6i minus 8j minus k. सेम cos थीटा इज इक्वल टू अगेन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी. सो आई कैन फाइंड फर्स्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी. व्हाट इज वेक्टर ए? इज 5i प्लस 3j प्लस 4k डॉट 6i माइनस 8j माइनस k माइनस k. नाउ 5 इंटू 6 इज 30 प्लस 3 इंटू माइनस 8 माइनस 24. 4 into minus 1, minus 4, this becomes 30 minus 20, 8, it becomes 2. Now, magnitude of vector A, तो magnitude of vector A के लिए क्या करेंगे हम लोग? Coefficient का सबका square, I का coefficient 5 का square, J का coefficient 3 का square, 4 का square, so that is what? 25 plus 9 plus 16, that is root 50. Again, I will come for magnitude of vector B, क्या होगा ये? रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज व्हाट? 36 प्लस 64 प्लस 1, सो दैट इज 101, राइट? अब हम क्या करेंगे? कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 50 इंटू रूट 101. That is the answer is theta equal to cos inverse 2 upon root 50 into root 101. This is the answer. Yeah, right. So, scalar और dot product का आपको इस type के सम पूछेंगे जो कि बहुत easy होते हैं.
फर्स्ट जैसे ही आप खोलते हैं स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट, तो आपको एंगल भी फाइंड करना पड़ता है, परपेंडिकुलर को क्या कंडीशन होगा, पैरेलल का क्या कंडीशन रहेगा, इस तरह से दिए रहेंगे। सो आप इसको प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।